बाबरी मस्जिद को हम कभी नहीं भूलेंगे। जब तक चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, इस सैनशीन पर बैठने वाले रहे या न रहे, जब तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हयार सरा हयार फला की सदा गूंजती रहेगी, रोज खयामत तक हर 6 दिसंबर को हम मुसलमान आने वाली नस्ल भी अपने एतजाज को बुलंद करवाते रहेंगे, बाबरी मस्जिद के शहादत पर जलसा मुनाकिद करते रहेंगे, अपनी एतजाज को बुलंद करते रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते, ना हम भूलेंगे, ना हम कभी बाबरी मस्जिद को भुलाने देंगे। चाहे कोई याद रखे या ना याद रखे, हम जरूर अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को याद रखें, और मरते मरते इस दुनिया से रुख्सत होते होते भी अपने जानशीनों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को ये नसीहत और ये हुक्म देकर जाएंगे कि हमारे मरने के बाद जब तक तुम जिंदा हो, तुम भी बाबरी मस्जिद के शहादत से एहतजाजी जलसा करते रहो, एहतजाज को बुलंद करते रहो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो जानशीन होगा, चाहे कितने भी नस्ल इस दुनिया से रुख्सत क्यों ना हो जाए, लेकिन हर आने वाली नस्ल बाबरी मस्जिद को याद रखेगी, एहतजाज करेगी और एहतजाज की आवाज को बुलंद करेगी।